हाँ बच्चों, ये है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, क्लास 9th मोशन। अगर इसको बेहतर समझना है तो इससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जो कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर नंबर 2 में डाल दिया है। तो इससे पहले अगर उन्हें उसे नहीं देखा है तो ज़रूरी है कि उसे देखा जाए, तो ये आसानी से आई होप कि समझ में आएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है इसमें। जो मैंने अरेंज किया है न्यूमेरिकल को, ये इजी टू डिफिकल्ट ऑर्डर मैंने ले गया। ऐसे तो अब अपने भाषा में आसान और भारी कहिएगा तो भारी कुछ होता नहीं है, उठा के थोड़ी देख रहे हैं, है ना, तो डिफिकल्ट है, मुश्किल। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या चीज में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। आपको याद है कि हम लोग 5/18 और 18/5 यूज़ करते हैं, है ना, 5/18 या 18/5। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि किसको कब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, बड़ा वाला, ये क्या है, छोटा वाला है, यानी बड़ा वाला। जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा वाले को यूज़ करेंगे, और अगर छोटा से बड़ा वाले में जाएंगे तो बड़ा वाले को यूज़ करेंगे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग छोटे वाले में जा रहे हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 108 को 5/18 से, ये फॉर्मूला है याद करना, किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, है ना। 18 6 5 30, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो पहला क्वेश्चन मैंने बना दिया है और दो क्वेश्चन है, दोनों को 5/18 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, किलोमीटर पर आवर से वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो आपका होमवर्क हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, 2/1, तो 2/1 क्या है, कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू द किलोमीटर पर आवर, छोटे से बड़ा में जाना है, यानी कि बड़ा वाले का यूज करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात गांठ बांध लेना, है ना। तो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, है ना। तो 5 के टेबल में 4 टाइम में, यानी कि 4 × 18, क्या चीज में बदल रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर आया। तो ये बन गया, बड़ा आसान है। इसका भी दो क्वेश्चन आप घर से बनाइएगा, मैं आशा करता हूँ, है ना। अब क्वेश्चन नंबर थ्री को समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है जो ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई रास्ता है 30 किलोमीटर का, है ना। एक कार है उसको ट्रेवल करता है, एक रास्ता है, कितना का, तो इसका डिस्टेंस कितना है, तो 30 किलोमीटर। किस स्पीड से जाता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है। कौन सा स्पीड पकड़ लिया, 40 किलोमीटर पर आवर, चलो इतना हो गया। तो इसका अगर टाइम, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, अगर आप टाइम निकालते हैं, टाइम है ना, यानी कि हम लोग क्या निकालने वाले हैं, T1 निकालने वाले हैं, टाइम वन। तो T1 निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, V। तो क्या होगा बाबू, 30/40 कट गया इसे, तो 3/4, है ना, आ बढ़ा गया, चलो इतना रहने, 3/4 आर। इसको अगर डिसिमल में अगर चाहो तो चेंज करना है, तो चेंज कर लो, 0.75 होगा, आ बढ़ हो गया, चलो, यानी कि ये T1 का वैल्यू आ गया। आगे कह रहा है 60 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो दूसरा T2 जब निकालेंगे तो कह रहा है 60 किलोमीटर चल रहा है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। किस स्पीड से जा रहा है, तो 20 के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर देंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से 3 टाइम में, यानी कि ये 3 किलोमीटर 3 आर हुआ। यानी T1 क्या आया, टाइम 1 0.75 आर, और टाइम 2 3 आर। हमें क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर दो डिस्टेंस है, तो हम इसको S1 + S2 लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ये हो गया, और टोटल टाइम टेकन T1 + T2 लिख सकते हैं। तो ये पहला 30 किलोमीटर था, है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा है 60 किलोमीटर। तो ऐड किए, नीचे क्या था, 0.7 आर और +3 आर। तो हाँ बच्चों, मैंने 25 से 15 टाइम में इसको कैंसिल किया, इसको 4 टाइम में, फिर 15 से 90 को 6 टाइम में, यानी 6 4 जो 24,
तो 24 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हुआ, तो एवरेज स्पीड हुआ, क्या हुआ एवरेज स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं ये बना कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको देखिए कितनी आसानी से बना है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब ये ट्रेन वाला है, अ ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर द एवरेज स्पीड, है ना। 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, 45 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से वापस आता है। तो एक पाथ सेम है, पथ ए से बी तक जाता है, कहाँ जाता है ए से बी तक जाता है। मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस एक्स है ना, लेट द डिस्टेंस ऑफ ए टू बी बी एक्स, एक्स मान लिए। अब ये जब ए से बी की तरफ जाता है तो क्या इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर जब आता है तो इसकी स्पीड क्या होती है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले टाइम वन निकालेंगे, तो टी वन निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का निकालते हैं, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस क्या है एक्स, स्पीड क्या है 30, इतना आवर हो गया। दूसरा टी टू निकालते हैं, तो टी टू इससे निकालेंगे, इसका डिस्टेंस तो सेम है ना, ए से बी से जा रहा है, बी से यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा टी टू, डिस्टेंस तो एक्स रहेगा लेकिन यहाँ पे 45 आ जाएगा क्योंकि स्पीड चेंज हो गया। ऐसा मत पूछना स्पीड क्यों चेंज हो गया, हो सकता है कि गया होगा शॉर्ट डिफिकल्ट रास्ते से आया होगा, आसान रास्ते से तो स्पीड बढ़ गया होगा, अच्छा रास्ता रहा होगा, है ना। तो ये आवर हो गया। अब टी वन और टी टू आ गया, हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, है ना। स्पीड टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, एक बार गया एक बार आया, यानी कि डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, यानी कि टोटल टाइम टी। तो इसको अगर आपने भाषा में लिखे तो डिवाइड में लिख सकते हैं ना, इससे बनाने में आसान होगा इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो पूरा एक्स प्लस एक्स दो बार गया, है ना, डिवाइड देंगे, ये क्या हुआ टाइम दो बार लगा, तो टाइम क्या है एक्स बाई 30 है प्लस एक्स बाई 45 है, इतना आर टाइम निकाले हैं, तो ये क्या हुआ 2x, डिवाइड का सिंबल लाने देंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 90 आएगा, ये 3x प्लस 2x, चलो इसको 2x लिखेंगे, डिवाइड का सिंबल लाने देंगे 5x बाई 90, 2x इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो x से x कट गया, 5 से कितना टाइम कटेगा 5 से ये कटेगा, 5 × 5 = 8, 18 × 5 = 90, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर, इट इज़ अ एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन गया और आया, आसानी से गया, आसानी से आया। तो ये आसान बात था, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था, और ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न ऑन द सेम पथ एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या होगा 36 किलोमीटर पर आवर, ये इतनी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, कोई ट्रैक है यानी ट्रेन का रास्ता जिसका डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, तो 120 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, पूरी डिस्टेंस है। अब कहा गया ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर बराबर, कह रहा है कि कुछ दूर चला जिसकी डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक माने 30 किलोमीटर, कौन सा स्पीड से चला, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाइए। अब कहा, अब सोच के देखो कि पूरा जब 120 है, ये 30 हो गया तो क्या बचाइए 90 किलोमीटर, क्या बचा 90 किलोमीटर, ये आपकी भी लॉजिक कहेगी। क्वेश्चन आगे कहता है कि हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज द एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर फॉर द इंटायर ट्रिप, 60 किलोमीटर पर आवर टू द इंटायर ट्रिप किलोमीटर, यानी कि इंटायर ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, इंटायर ट्रिप का एवरेज जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड चल रहा है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, अगर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चला, टोटल जो स्पीड था, टोटल हमारा जो स्पीड था वो क्या क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, पहला टोटल एवरेज
है ना, टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस भाई टोटल टाइम लेना ना, टोटल टाइम, टाइम का क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस 120 है, स्पीड क्या है 60 है, टोटल बाई टोटल कट जाएगा टू टाइम में, यानी कि 2 आवर्स पूरा टाइम जो लगता है, 2 घंटा लगता है ट्रेवल करने में, है ना। तो इन फर्स्ट हाफ व्हाट इज द डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड आवर स्पीड मीन्स वी 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज आवर टाइम? टाइम इज टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 30, टाइम इज स्पीड इज ऑल्सो 30, 30 बाई 30 इक्वल टू 1 आवर। इट इज अ डिस्टेंस, दिस वन इज अ स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड इट इज अ 1 आवर, यानी कि यहाँ तक 1 आवर ले लिया, है ना। मान लेते हैं ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी जो है इक्वल टू क्या है, ए सी है। यहाँ पे जो टाइम ले रहा है ये 1 आवर टाइम ले लिया, यहाँ का टाइम का पता नहीं ना, तो बी सी को रहने दो। और ए सी जो टोटल टाइम लिया कितना है, 1 आवर 2 आवर, है ना। तो बी सी जो सफ़र तय करने में टाइम लगता है 2 आवर माइनस 1 आवर, है ना। तो बी सी कितना ट्रेवल किया, 1 आवर, यानी कि इसका पता चल गया टाइम क्या होगा, 1 आवर टाइम होगा। तो क्या निकालना है, इसका क्या स्पीड होना चाहिए, है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 90 किलोमीटर बचा हुआ जो डिस्टेंस है, और टाइम क्या है 1 आवर, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, यानी बचा हुआ स्पीड को किस कैसे ट्रैवल करेगा, कौन से स्पीड से, तो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ट्रैवल करे तो टोटल का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इट इज रियली द मिस्ट्री। अ बस कवर अ डिस्टेंस 250 किलोमीटर, कोई एक रास्ता है 250 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर, एक रास्ता है जो लखनऊ से कानपुर तक जाता है, स्ट्रेट हो या कर्व हो ये मैटर नहीं है, इसी तरह हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो इसका डिस्टेंस क्या है 250 किलोमीटर, है ना, लखनऊ से कानपुर। आगे कहा टू कानपुर इन 5 आवर, कितना टाइम लगता है 5 आवर लगता है, टाइम लग गया 5 आवर। अब कह रहा है रिटर्न बैक ट्रेवल द सेम डिस्टेंस सेम टाइम, उसी जगह पे वापस आता है, उसी जगह पे वापस आता है, उसी रास्ते से आता है, तो डिस्टेंस थोड़ा ही बदलेगा, डिस्टेंस 250 किलोमीटर रह गई, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, टाइम कितना लगा था 5 आवर। तो अब लखनऊ टू कानपुर, क्वेश्चन नंबर 6 लखनऊ टू कानपुर, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो लखनऊ टू कानपुर क्या हुआ, यहाँ से वहाँ गया इस डायरेक्शन में तो 250 किलोमीटर, है ना। अब कानपुर से लखनऊ आ रहा है, यानी कि ओपोजिट आ रहा है कानपुर से लखनऊ, जब ओपोजिट आएगा तो वो हमारा डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो जाता है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट प्लस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट माइनस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब देखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 250 और माइनस 250 यानी कि 0 किलोमीटर हो गया, कितना किलोमीटर हो गया 0 किलोमीटर। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी को इस तरह डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या है 0 है, और टोटल टाइम टेकन यानी कि 5 प्लस 5 आर लिखिएगा, है ना। आगे डायरेक्ट आप 0 लिख दें या 0 बाई 10 आर इक्वल टू आप 0 लिखें, यह आप पे डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पे इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई 0 हुई। तो आपको ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देख के आई होप कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कंटिन्यू रहिए।